से आपसे, और आज जुम्मे मुबारक, सो सबको जुम्मे मुबारक, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहा है। टाइम बहुत कम रह गया, बहुत देर देता हूँ। आज आपके भाई की छुट्टी और हम लोगों ने करवानी है इफ्तार आज बाहर, जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया था आप लोगों को, आज वो भी सारे सीन हैं। फिलहाल अभी नमाज़ पढ़ता हूँ सबसे पहले चलकर, और बाकी सीन डिस्कस करता हूँ। नमाज़ वगैरह पढ़ ली है जुम्मे की, और अभी साकिब भाई कर रहे हैं रिक्शा साफ, जिसमें हमें इफ्तारी बांटने आना है। और अभी ये ऑन करके नहीं देखा, लेकिन धो लिया है रिक्शे को। क्या अभी धुल गया है, लेकिन ऑन नहीं है। फाइनली जो अभी हम लोग जा रहे हैं इफ्तार बांटने के लिए, और उधर से हमारे लोग बाहर की साइड था, मैं घर पे आया था कुछ काम का छोटा सा, तो वो करने आया था घर पे। अभी फ़िलहाल निकल रहे हम लोग, मैं ग्राउंड जा रहा हूँ पैदल ही, क्योंकि उधर और साकिब बैठे हुए ग्राउंड में, टोपी वगैरह लगा लिए। सो अभी निकलते हैं और इफ्तारी वगैरह वाली जगह पर पहुँचते हैं, वहीं पे तुम लोगों को मिलता है। व्लॉग भी नहीं इसी वजह से बनाया, काम इतने थे। सो लेट्स गो। सो यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जा रहे हैं अभी इफ्तार करवाने, और मैं हूँ उज़ैफ़ा है, साकिब है, एक बाइक आगे चल रही है, उज़ैफ़ा और अब्दुल्ला पुलाव लेके बैठे हैं, पुलाव और कार्टन, और हम लोग लेके बैठे हैं कार्टन पानी के। एक जगह से लोग सीन ये है कि अभी देखते हैं क्या सीन है। अभी हम लोग जा रहे हैं इफ्तार करवाने, पहले उज़ैफ़ा और साकिब जाके लोकेशन देख कर आ गए थे। जैसा कि मैंने पहले एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने बताया था कि यार हम लोग इफ्तारी के सामान ढूंढ रहे थे, करने के बाद जा आके हमने रेट वगैरह लिए थे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस इफ्तार करवाने। तो अल्लाह भाई यार ये नेकी कबूल करे, और जिसकी जितनी इस्तेदाद हो उस हिसाब से भाई करवाया करो यार इफ्तारी। तो हमारी जो इस्तेदाद थी हम उस हिसाब से अभी जा रहे हैं इफ्तारी लेके, और यही बांटेंगे, यही खुद भी खा पी लेंगे। फिलहाल अल्लाह पाक कबूल फरमाए और हम सबको इसका अजर दे और सबको तौफीक दे यार अपनी इस्तेदाद के मुताबिक करने की। तू ना थैली पकड़ के खड़ा रही हो, लोग आते ना झपट्टा मारते हैं। हाँ एक बंदा थैली पकड़ के खड़े हो ना, पास रही हो थैली के, मजाक समझ रहा तू, भूतनी के ऐसे देख रहा है कि तू मारने गया है रात से। फिलहाल इधर देख, ओए उज़ैफ़ा, उज़ैफ़ा हमसे पूछ रहा है ये, उज़ैफ़ा भाई, उज़ैफ़ा भाई हमसे पूछ रहा है ये, इसको बताओ पुरानी चाल होगा। यहाँ से जाता ना यार मुजाहिद से। फिलहाल यार बस फटाफट से निकलते हैं अभी इलाके से, और मगरिब का टाइम में भी अभी 20 मिनट हैं, 20-25 मिनट, तो हम जब तक अपनी लोकेशन पर ऑन टाइम पहुंच जाएंगे तो फटाफट से निकलते हैं। फिलहाल उज़ैफ़ा और ये जो है जा रहे हैं आगे आगे, और अभी पूरा रास्ता खैर व्लॉगिंग करते हुए जाएंगे। फिलहाल ये है कि इलाके से ही अभी नहीं निकले हैं, क्योंकि टाइम ये अभी इफ्तार वाला ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि असल में रात लोग घर आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो इस वजह से काफ़ी रश होता है। सामने आपको सनसेट नज़र आ रहा होगा, एक प्यारा खूबसूरत सूरज, तो फटाफट से यहाँ भी देखो इफ्तारी वगैरह हो रही है, लोग करवा रहे हैं, और ये हम लोग लेके जा रहे हैं अभी करवाने के लिए। तो फिलहाल बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए सबका इफ्तार वगैरह, और मैं निकलता हूँ और पहुँच के तुम लोगों को अपडेट करता हूँ। मौसम माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है, आज हमारी छुट्टी थी और अलविदा जुम्मा भी है, तो हमने सोचा था कि यार अलविदा जुम्मे को इफ्तारी वगैरह कर पाएंगे, तो अल्लाह ने करने जाएंगे इफ्तारी। हाँ अल्लाह पाक ने तौफीक दी, और बस हम लोग आ रहे हैं इफ्तारी करवाने। और अब्दुल्ला हो जा रहे हैं और साइकिल बाइक में बस गर्म मिल रही है। अब इसको कोई क्या कर रहा है, नब्बे के बड्डे से यहाँ आ रहा है, वहाँ जा रहा है, इतना शुरू कर दिया बोतलें, अभी जो है पहली बोतल वगैरह निकाली है। तो भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम लोगों ने इफ्तारी को बांटना शुरू करा, और हम लोग खड़े हो चुके थे, और आहिस्ता आहिस्ता करके माशाल्लाह से रश लगना शुरू हुआ और लोगों की आमद रावत शुरू हुई। हमने बांटना शुरू करी तो मैंने अपने दोस्त को कैमरा पकड़वा दिया था। इसका मकसद कोई ये नहीं है कि यार हम कोई शो ऑफ कर रहे हैं या कुछ भी, अल्लाह पाक सबको खिलाने वाला है और सबके रोज़े खुलवाने वाला अल्लाह की ज़ात है और किसी की भी नहीं।
कोई इतना ताकतवर नहीं है या कोई इतना वो नहीं है कि कोई किसी को कुछ खिला पिला सके। जो भी है भाई अल्लाह का दिया गया और अल्लाह ताला की अता, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हमें ज़रिया बनाया लोगों के रोज़े खुलने का, मुझे बड़ी खुशी है। और यार ये काम करके जो दिली ख्वाहिश और दिली खुशी पूरी होती है ना, मैं कहता हूँ वो चीज़ हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप लोग कैमरा भी देख रहे होगे कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी की चेहरा वगैरह इतना कोई नज़र आ रहा हो, नीचे की तरफ कैमरा करके बस हमने छोटा सा अपनी याद के लिए कि यार हमने ये चीज़ करी, हमें बड़ी खुशी हुई और दिल को इतना सुकून मिल रहा था लोगों के रोज़े खुलवा के, जिस तरीके से लोग आ रहे थे जा रहे थे हमें बड़ी खुशी हुई और बहुत मज़ा आया और दिल सुकून मिला। तो हर कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक यार कराया करो ये सब चीज़ें, क्योंकि जो राहगीर हैं इनका हक होता है। देखो किस तरीके से लोग आ रहे थे और रुक रहे थे, रश माशाल्लाह अचानक से लगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जितना हो सका हमने उतना करा और उतना बांटा। अल्लाह पाक हम लोगों को आगे आने वाले रोज़ों में, आने वाले रमज़ानों में तौफीक दे, तो हम दोबारा भी सब कुछ करेंगे। बस यही दुआ है कि तुम लोग जो है अगर अच्छा लगा हो कॉन्टेंट, अच्छी लगी हो चीज़, एक नेकी हमारी पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी ये है कि यार हम लोगों को बड़ी खुशी हुई बांटने के बाद, तो एक दिली सुकून, एक दिली तसल्ली जो मिली ना बांटने के बाद, वो एक अलग ही वाइब थी, एक अलग ही खुशी थी जो कि मैं बिल्कुल लफ्ज़ों में तुम लोगों से बयान ही नहीं कर सकता। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी वगैरह बांट दी हम लोगों ने और इस लोकेशन में हम लोग बांट रहे थे और माशाल्लाह सब डन हो गया। सारे बॉयज़ थे, उदैफा, अब्दुल्ला और अबे मेरा घुटना चखना छिल गया यार, पूरा शो वाला। वो चाचा नहीं आए थे अचानक से जो आए थे, तो देख चखना पूरा लेके चले गए। फिलहाल यार बड़ा मज़ा आया बांटने में और एक दिली सुकून मिला। अबे वो इसका मसला नहीं है, वो तो सही बनाई है तुमने बिल्कुल ना, ताकि किसी का चेहरा वगैरह भी नहीं आया। अबे तो चेहरा तो नहीं आया ना, नहीं हमें अपनी नेकी दिखानी थी, हमें चेहरे थोड़े दिखाने थे किसी को। यानी नेकी दिखाने का मतलब ये है कि यार लोग इससे ना थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। इस तरीके से हम भी चार लड़के हैं, हमारे कोई अम्मा पापा कोई बहुत पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है। तूने ही बोला मेरे को स्टेटस के लिए भेज दियो, तेरी तस्वीर आई है। अबे दिखावा तो तूने, ये रहा बेटा, क्या कहते हैं कट, ये रहा कट, मुझे भेज दियो यार। तो यार अफ्तारी वगैरह करवा के आ गए हम लोग, आ गए अभी 786 पुलाव, 786 आ गए हम लोग पुलाव और खाते हैं सुकून से बैठ गया पुलाव। अरे बट लाओ ऑर्डर देता है, सुकून से बैठ के आता है पुलाव।